पिछले 5 दिन के दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने 3 बार भारतीय इलाके में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। तीनों बार चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी। ताजा मामला 31 अगस्त की रात का है, जब चीनी सेना ब्लैक टॉप यानी काली पहाड़ी के ऊपर कब्जा जमाने की गर्ज से आया, लेकिन वहां पर पहले ही भारतीय सेना मुस्तैद थी। दरअसल काली पहाड़ी जो है 2014 में भी यहां पर चीनी सैनिक घुस आए थे और करीब 3 महीने तक, अक्टूबर के महीने तक 2014 में चीनी सेना यहां पर रहे थे। तब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और उन्होंने कूटनीतिक पहल करते हुए चीनी सेना को यहां से निकलने पर मजबूर कर दिया था। ब्लैक टॉप की पहाड़ी दरअसल पूरे पेंगांग इलाके पर नजर रखती है और इस पहाड़ी पर फिलहाल कोई भी सेना मौजूद नहीं थी और ये नो मैनज लैंड कहलाती है। ना ही यहां पर चीनी सेना का कोई पोस्ट है और ना ही भारतीय सेना का। लेकिन जून के महीने के बाद चीन के साथ सेना की तैनाती बढ़ने के साथ ही अब भारतीय सेना ने इस पहाड़ी पर भी अपनी पोस्ट कायम कर दी है, जिसका चीन जबरदस्त विरोध कर रहा है। 2 दिन तक चीन और भारत के ब्रिगेडियर लेवल स्तर की बैठक जो है वो चुशूल में हुई, जो इस घटनास्थल से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन 2 दिन के बैठक में भी फिलहाल कुछ ठोस नतीजा निकल नहीं पा रहा है। इस बीच दोनों तरफ सेनाएं जो है जमावड़ा एक बार फिर पेंगोंग सुले के इलाके के साथ साथ पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कर रही है। खासतौर से भारतीय सेना ने अपनी तैनाती और तैयारी में और तेजी लाई है।